सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। आज 11 मई गुरुवार का दिन। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान, देखे मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल। मेष राशि वालों का आत्मविश्वास भरपूर रहे, शैक्षिक कार्यों के लिए किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। रहन सहन अव्यवस्थित रहेगा। आय वृद्धि के साधन विकसित होंगे। परिश्रम की अधिकता रहेगी। बातचीत में संतुलन बनाए रखें। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाना हो सकता है। वृष राशि वाले संयत रहे, व्यर्थ के क्रोध से बचे। परिवार का साथ मिलेगा। किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। स्थान बदल सकता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मिथुन राशि वालों का मन अशांत हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रहन सहन कष्टमय हो सकता है। धर्म के प्रति श्रद्धा भाव रहेगा। व्यर्थ के भाग दौड़ रहेंगे। संतान की ओर से दुखद समाचार मिल सकते हैं। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। कर्क राशि वालों को नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। बातचीत में संयत रहे, परंतु कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। कुटुंब के किसी बुजुर्ग से धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। नौकरी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सिंह राशि वालों का आत्मविश्वास अधिक रहेगा। परिवार का साथ मिलेगा। वस्त्रों के प्रति रुझान बढ़ सकता है। खान पान के प्रति सचेत रहे। मन में निराशा एवं असंतोष के भाव रहेंगे। माता को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। लंबी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। कन्या राशि वाले धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। बौद्धिक कार्यों से आय के साधन बन सकते हैं। रहन सहन कष्टमय हो सकता है। परिवार की समस्याएं परेशान कर सकती है। मन अशांत रहेगा। मीठे खान पान में दिलचस्पी बढ़ेगी। जमीन जायदाद से लाभ होगा। तुला राशि वाले आत्मविश्वास में कमी रहेगी। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। मित्रों का सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में परिश्रम अधिक रहेगा। क्रोध एवं आवेश के अतिरेक से बचें। मन में निराशा एवं असंतोष के भाव रहेंगे। स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों को पठन पाठन में रुचि हो सकती है। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। कारोबार पर ध्यान दें। धर्म के प्रति श्रद्धा भाव रहेगा। आत्मविश्वास में कमी आएगी। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। धनु राशि वालों का मन प्रसन्न रहेगा, फिर भी संयत रहे। घर परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। परिश्रम अधिक रहेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। वस्त्रों पर खर्च बढ़ेंगे। भवन सुख में वृद्धि होगी। रहन सहन कष्टमय हो सकता है। आय में कमी एवं खर्च अधिक की स्थिति से परेशान हो सकते हैं। मकर राशि वाले आत्म संयत रहे। मानसिक शांति के लिए प्रयास करें। नौकरी में परिवर्तन की संभावना बन रही है। परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। परिश्रम अधिक रहेगा। स्थान परिवर्तन संभव। लंबे समय से रुके हुए काम बनने की उम्मीद। कुंभ राशि वालों का मन अशांत रहेगा। परिवार की समस्याएं परेशान कर सकती है। वाहन के रखरखाव एवं वस्त्रों पर खर्च बढ़ सकते हैं। शिक्षा में सुधार होगा। आत्मविश्वास में कमी आएगी। लाभ के अवसर मिलेंगे। मीन राशि वाले व्यर्थ के क्रोध एवं वाद विवाद से बचें। संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी मित्र का आगमन हो सकता है। वस्त्र उपहार में मिल सकते हैं। मित्र के सहयोग से आय वृद्धि के स्रोत विकसित हो सकते हैं। मन परेशान हो सकता है। प्रतिदिन राशि फल के लिए जुड़े रहें खबरी चौखट से।